हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडेज़ वीडियो इज़ गोना बी माय स्किन केयर, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर कि काफ़ी सारे लोगों का ये होता है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हम फेस पे यूज़ करेंगे तो फिर क्या ही होगा। बट गाइज, मुझे लगता है आपका स्किन है, आपका चॉइस है, बिकॉज 30 के बाद स्किन को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज आपके रिंकल्स एंड फाइन लाइन की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। सो आज जो भी मैं प्रोडक्ट मॉर्निंग में यूज करती हूँ, अभी मैंने फिनिश किया है अपना, और अभी कोई भी मेकअप नहीं है मेरे फेस पे, कोई भी मेकअप मैंने नहीं किया हुआ है अपने फेस पे, और बस नॉर्मल ग्लॉस लगाया है और बहुत ही लिटिल बिट काजल लगाया है। सो फर्स्ट जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ ना गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इतना अच्छा प्रोडक्ट लगा ये, मैंने रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया और मुझे लग रहा है कि मैं थ्रू आउट द लाइफ ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकती हूँ। सो ये जो है वॉन्डर टोनी मोली फेस टोनर, सेरामाइड टोनर, और इसको मैंने अभी तक, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 15 डेज हो गए इसे यूज़ करते करते, बट इतना ही यूज़ कर पाई हूँ। 15 डेज बाद ही मैं आपको इसके रिजल्ट्स आपको सामने बता रही हूँ, बिकॉज ये इतना अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है ना स्किन में। ऑल्सो एक स्किन पे ना यूज़ करने के बाद कि अगर आपने क्रीम व्रीम कुछ भी लगाया, आपने फेस वॉश करके इसको लगा लिया और बहुत ही अच्छा ना एक होता है ना कि एक हाइड्रेशन जो होता है फेस पे वो आपको दिखेगा, आपका फेस बहुत हाइड्रेट लगेगा, साथ ही एक ग्लो भी आएगा फेस पे। तो ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, और ये वैसे मुझे लग रहा था कि 1400 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है टोनर के लिए, बट गाइज वर्थ है, बिकॉज इतनी बड़ी बॉटल है ना ये, 500 ग्राम्स की ये बॉटल है। यस, आई गेस 500 ग्राम्स की ही ये बॉटल है, और इसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है, इसमें सिंथेटिक कलर नहीं है, एनिमल वेस्ट जो भी इंग्रेडिएंट वो इसमें यूज़ नहीं किए हुए हैं। अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, गाइस वर्थ वाइंग है, कोई भी स्पॉन्सर वीडियो ऐसा नहीं है, ये मैंने खुद खरीद के ट्राई किया है, बेस्ट 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 ऑप्शन है गाइस। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा मीन्स ग्लो खत्म हो गया है, हाइड्रेशन नहीं है स्किन में, सो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, मीन्स आपको ना 2 to 3 डेज बाद ही इसके रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। बहुत पसंद आया मुझे ये। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ गाइज, ये कॉस्रिक्स का AHA BHA टोनर, और ये अगर आपके फेस पे जो भी पिंपल मार्क दाग धब्बे कुछ भी हो गए हैं इसको रिमूव करेगा, ऑल्सो हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जो मेड इन कोरियन प्रोडक्ट है ना, वो सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके स्किन को डेफिनेटली एक हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप स्किन केयर ले लो या फिर आप मेकअप प्रोडक्ट्स ले लो। सो ये भी काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है स्किन में, जो भी आपके रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स भी है ना, तो वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे। ऑल्सो इसके इमीडिएट बाद मैं यूज़ करती हूँ ये हाइलो जेल, बिकॉज अगर आप हाइलोरोनिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको अपनी वेट स्किन पे ही यूज़ करना होगा, अदरवाइज उसके ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं आते। अगर आपकी स्किन वेट है, यानी मैं टोनर को यूज़ करके इमीडिएटली इसको यूज़ कर लेती हूँ, और ये मेरा फेवरेट हाइलोरोनिक जेल है और मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अंडररेटेड प्रोडक्ट है, बट ये एक बहुत वर्थवाइंग ऑप्शन है। नेक्स्ट, इसके बाद जब ये पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, तो मैं यूज़ करती हूँ ये वाला सीरम। ये एक विटामिन सी सीरम है, इट्स स्किन इसका ब्रांड है, कोरियन ब्रांड है, और इसके और भी प्रोडक्ट मैंने अपनी पिछली वीडियोस में शेयर किए हैं। ये मैंने इसका आई थिंक 4th प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है, और ये भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सो ये विटामिन सी सीरम है, और ये ब्लेमिश स्कैचर है नंबर 10, और ये मुझे बहुत पसंद आया। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना गाइस, वो पूरी आपको मिलेगी एक जेल, यानी थिक जेल बेस कंसिस्टेंसी, जेल भी नहीं बोलेंगे, यानी थिक वाटर बोल सकते हैं, उस बेस की कंसिस्टेंसी इसकी आपको मिल जाएगी। जैसे कुछ सीरम होते हैं थोड़े से वाटर बेस होते हैं, बट ये थोड़ा सा आपको जेल टाइप का मिलेगा, बट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, काफ़ी अच्छा ग्लो आता है। अगर आपके फेस से ना ग्लो ग्लो सब कुछ चला गया है, बिल्कुल बेजान टाइप की हो गई है, तो आपको डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए। और इसके साथ में ना गाइस क्या होगा कि आपके जो रिंकल्स वगैरह हैं फाइन लाइन, बिकॉज मैं सारे प्रोडक्ट्स अभी ऐसे यूज़ करती हूँ जो कि रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स को कवर करते हैं, सो बिकॉज आफ्टर 30s आपको वही प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ करने का रीज़न यही है कि जो भी रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स को मिनिमाइज़ करने में बहुत हेल्प करें, उसी टाइप के प्रोडक्ट में यूज़ करती हूँ। तो ये भी उन्हीं में से एक है, और गाइस ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया है, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है, कुछ इस टाइप की मिल जाएगी आपको, सो अच्छा है, इसको भी यूज़ करें, इसके रिजल्ट्स भी आपको 3 से 4 दिन में देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं अभी ही इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, आई थिंक 15 डेज हो गए हैं, हाफ यूज़ कर लिया है मैंने इसे, और ये बहुत ही वर्थवाइंग ऑप्शन है।
सिरम अप्लाई करने के बाद ना गाइज मैं थोड़ी सी कर लेती हूँ मसाज अपने फेस पे। इससे क्या होता है, जो भी रिंकल्स फाइन लाइंस जो भी होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं और आपको बहुत जल्दी जो एजिंग का इफेक्ट है वो आपके फेस पे बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। सो ये मसाजिंग बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि फेस का ब्लड सर्कुलेशन भी बना रहता है, साथ ही आपका फेस एक टोन्ड रहता है। सो ये जो है ये वाइब्रेट होता है, यहाँ से ऐसे इसको यहाँ से घुमाना पड़ेगा और ये वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और इसको आप अपने आईज के अराउंड और अपने चिक बोन्स के अराउंड, यहाँ पे आप जॉ लाइन के, मतलब कैसे भी अपने अकॉर्डिंग आप इससे मसाज कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इस मुझे। और अगर आप अगर आपको पास टाइम नहीं, आप नाइट में भी कर सकते हैं कि नाइट में अगर आप कोई भी अपने फेस पे क्रीम लगाएं और उसके बाद इसे मसाज करें। अगर आप क्रीम लगा के मसाज करते हैं या कोई सीरम लगा के मसाज करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, और बजाय कि आप कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, बेयर फेस यूज़ कर रहे हैं। सो आप ध्यान रखें कि कुछ क्रीम लगाएंगे तो अच्छा इफेक्ट आएगा। सो इसको मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ हर दिन। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ इसके बाद एक कम मॉइस्चराइज़र भी आपको यूज़ करना है। उसके लिए मैं ये इट स्किन का अगेन ये हाइलुरोनिक एसिड क्रीम है। ये एक जेल बेस्ड कंसिस्टेंसी में आपको मिल जाएगी, काफ़ी हाइड्रेशन करती है फेस को और मतलब आपके फेस पे ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको दोबारा से कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत है कि फेस बहुत डल लग रहा है, ड्राइनेस आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। आप ऑल डे, वो भी चिपचिप भी नहीं होगी, और ऑल डे आप 24 आवर्स तक आपको इसको रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है या कुछ अप्लाई करना है। और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ जेल बेस आपको मिल जाएगी और ये भी ब्रांड है इट्स स्किन, इट्स अ कोरियन ब्रांड और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा है। ऑल्दो ये 900 रुपीज़ की है, आपको लग सकता है कि थोड़ी सी ओवर बजट है, बट ये वर्थ माइंग ऑप्शन है। नेक्स्ट हाँ, बट ये अगर आप स्पेशली जो आपके फेस थोड़ा सा डल लग रहा है और हाइड्रेशन नहीं है, ग्लो नहीं है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बट एंटी एजिंग इफेक्ट इसमें ऐसा कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं इसके बाद यूज़ करती हूँ वो है गाइज ये आई क्रीम, जो कि मैं यूज़ करती हूँ पिलग्रिम की रेड वाइन आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ और ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। पिलग्रिम के भी कुछ प्रोडक्ट्स गाइस मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं जो कि मैं यूज़ कर चुकी हूँ, कभी मैं दोबारा से परचेज़ करूँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये क्रीम ना काफ़ी टाइम, इससे भी आपके रिंकल्स फाइन लाइन सब कुछ मिनिमाइज हो जाएंगे आईज जो भी आपके अराउंड आईज में हो गए हैं, और इसको यूज़ करते करते भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। इसकी नॉर्मल क्रीम बेस्ड कंसिस्टेंसी में आपको मिल जाएगा, नॉर्मल क्रीम बेस्ड कंसिस्टेंसी है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे प्रोडक्ट, डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेरी अभी रीसेंट परचेज, रीसेंट मतलब 3 से 4 महीने से फेवरेट हो गई है और मैं इसको कई बार रीस्टॉक कर चुकी हूँ, ये है डी कंस्ट्रक्ट की जेल बेस्ड सनस्क्रीन एंड SPF 55+ PA++++ के साथ, और गाइज ये बहुत अच्छी, स्पेशली अगर आपका ऑयली स्किन है और आपको कोई भी सनस्क्रीन सूट नहीं कर रही है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इससे कोई भी चिपचिप वाली फीलिंग आपको इसके साथ में नहीं आएगी और ये इजीली अब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में और काफ़ी अच्छा ग्लो भी आएगा, स्पेशली जो 50+ होते हैं यानी 55 SPF के साथ होते हैं, उसमें डेफिनेटली गाइज एक चिपचिप फिनिश होती है एंड वाइट कास्ट की, बट इस प्रोडक्ट के साथ मुझे वाइट कास्ट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया और फेस पे ना ऐसा भी नहीं है कि ये क्विक अब्जॉर्ब हो जाती है, और ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई है। सो रिसेंट ये मेरी फेवरेट है, 3 से 4 महीने से आई थिंक कोई भी स्किन केयर रूटीन मैंने शेयर किया होगा ये मैंने ज़रूर शेयर की होगी, बिकॉज ये मेरी फेवरेट हो गई है अभी इस टाइम। नेक्स्ट मैं ज़्यादा अभी अप्लाई कर रही हूँ कि अभी भी मैंने अप्लाई किया हुआ है, बस उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लॉस लगाया, एंड जो मेरा फेवरेट है ये वाला प्रोडक्ट जो कि आई थिंक टिप्सी ब्यूटी का मैंने परचेज किया, एक लिप ऑयल, ये आपके पीएच लेवल के अकॉर्डिंग आपके लिप का कलर आएगा इसमें, और आप इसको लिप पे अपने एज ए ब्लश, एज ए आई शेडो, इसको तीनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और ये भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये इजीली रिमूव नहीं होता, मींस आपको एक हल्का सा टिंट आपके लिप्स पे रहेगा और जब आप इसको अपने चिक्स पे लगाएंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा ग्लो करेंगे आपके चिक्स, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एक ये 900 रुपीज़ में है, ये चिक
सॉरी एज ए ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा एक हाईलाइटर इफेक्ट आता है इसे यूज़ करने से। मुझे ये बहुत पसंद आया है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ गाइज, वो है ये वाला, ये है फेस शॉप का राइस वाटर ब्राइटनिंग फेस वॉश, और इसको काफ़ी टाइम हो गया यूज़ करते करते, रीस्टॉक करते रहती हूँ, यूज़ करती रहती हूँ, बिकॉज ये मेरे फेस को भी सूट करता है। साथ ही साथ गाइज ये एक स्पेशल एक अलग से ना एक हाइड्रेशन इफेक्ट आता है आपके फेस पे, सो ये काफ़ी अच्छा है। मीन्स ऑल दो ये चिपचिपा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही क्रीम बेस हो, ये फोम बेस है, बट ये काफ़ी हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। और सो ये सभी का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये था मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।